अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे पिछले ट्यूटोरियल में हमने देखा था कि एक डायोड किस तरह एक सर्किट में बिहेव करता है। हमने डायोड के एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ली थी। इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि डायोड सीरीज सर्किट में किस तरह बिहेव करता है। सो हमारे पास एक बिल्कुल सादा सा एक सर्किट है जिसमें एक वोल्टेज सोर्स 10 वोल्ट का डीसी वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है और एक 1 kΩ का रेजिस्टर लगा हुआ है सीरीज में, और इसके साथ सीरीज में एक सिलिकॉन डायोड लगा हुआ है जिसकी वोल्टेज ड्रॉप इस सिलिकॉन डायोड के अक्रॉस 0.7 वोल्ट है। इसी तरह मेरे पास एक सीरीज में एक दूसरा रेजिस्टर 2.2 kΩ का लगा हुआ है, इसके अक्रॉस वोल्टेज V0 है। अब देखते हैं कि इस सर्किट को किस तरह हैंडल करना है और डायोड इस सर्किट में कैसा बिहेव करता है। अब यहाँ पे जो ये सिलिकॉन डायोड है, ये 0.7 वोल्ट डीसी सोर्स के भी हम लोग इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो अगर हम लोग वी नॉट जो कि इस 2.2 kΩ रेजिस्टर के अक्रॉस है, ये अगर फाइंड करना चाहें तो सिंपल हम केवीएल अप्लाई करके हमारा ये वी नॉट फाइंड कर सकते हैं। केवीएल कहता है कि सम ऑफ ऑल वोल्टेज ड्रॉप्स इन अ क्लोज लूप इज इक्वल टू जीरो, मतलब जितने भी हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप्स होंगे एक क्लोज लूप में वो इक्वल टू जीरो होंगे। तो अगर मैं यहाँ केवीएल लगाना चाहूँ तो केवीएल के मुताबिक मेरे पास यहाँ से अगर मैं क्लॉकवाइज लगाना चाहूँ तो -10 जो कि मेरे पास डीसी सोर्स है, प्लस V1 जो कि ये V1 इस 1 kΩ रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है, प्लस VD जो कि सिलिकॉन के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है, सिलिकॉन डायोड के अक्रॉस जो कि 0.7 है, प्लस V0 मेरे पास इस 2.2 kΩ रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है इज इक्वल टू जीरो। अब मैं इसको सिंप्लीफाई अगर थोड़ा सा कर लूँ तो मेरे पास ये इक्वेशन बन जाएंगी -10 प्लस 0.7 प्लस 1K प्लस 2.2K इंटू I इज इक्वल टू जीरो। इन दोनों का सम मेरे पास -9.3 प्लस 3.3K इंटू I इक्वल टू जीरो। अब I फाइंड करने के लिए मेरे पास ये इक्वेशन बनी है 9.3 डिवाइडेड बाई 3.3 kΩ, तो मेरे पास टोटल करंट इस पूरे सीरीज सर्किट में मेरे पास टोटल करंट जो आया है वो मेरे पास आया है I इज इक्वल टू 2.81 mA। अब अगर मैं उसी टोटल करंट को यूज करते हुए उस 2.2 kΩ रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करना चाहूँ तो ओम्स लॉ के मुताबिक V0 इज इक्वल टू IR। ओम्स लॉ कहता है कि करंट और रेजिस्टर के प्रोडक्ट मेरे पास वोल्टेज ड्रॉप के इक्वल होगा। तो करंट 2.81 मेरे पास आ चुका था और रेजिस्टेंस उस रेजिस्टर की 2.2 kΩ थी। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास V0 इज इक्वल टू 6.18 वोल्ट आ गया। इसी तरह अगर मैं इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करना चाहूँ तो यहाँ भी मैं ओम्स लॉ लगाकर V इज इक्वल टू IR के फार्मूले के थ्रू मैं इसको भी फाइंड कर सकता हूँ। हमारी इस वीडियो ट्यूटोरियल देखने का शुक्रिया। हमारे अगले वीडियो ट्यूटोरियल में हम पैरेलल डायोड को हैंडल करेंगे और उसका सीरीज उसको पैरेलल सर्किट में किस तरह डील करते हैं वो आपको बताएंगे। हमारे MHM लैब एंड प्रोडक्शन के साथ कनेक्टेड रहिए। शुक्रिया।